हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है डाइवर्जेंट ऑफ ए फंक्शन। आज के वीडियो में अपन डाइवर्जेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। डाइवर्जेंट इन द सेंस, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं अपसरण। कोई भी जो अपना फलन होता है, कोई भी जो फंक्शन होता है जो वेक्टर फॉर्म में डिफाइन होता है, उसके लिए अपन यहाँ पर आज जो है वो डाइवर्जेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। डाइवर्जेंट जो है वो होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगी अपसरण की, डाइवर्जेंट अपसरण, हिंदी में इसको अपन अपसरण से बोलते हैं। अब देखिए, अपसरण जो होता है वो ग्रेडियंट से ही मिलता जुलता होता है। जो अपन ने ग्रेडियंट पढ़ा था, ग्रेडियंट क्या होता है, एक अदिश बिंदु की प्रवणता होती है, और जो अपना डाइवर्जेंट होता है एक सदिश बिंदु फलन की प्रवणता होती है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि जब अपन ग्रेडियंट की बात करते हैं तो ग्रेडियंट में जो अपना फलन लिया जाता है वो एक अदिश बिंदु फलन है, या अदिश फलन कह सकते हैं अपन, उसके अंदर डायरेक्शन शामिल नहीं होती है। और जब अपन अपसरण की बात करते हैं तो अपसरण के अंदर जो अपना पॉइंट लिया जाता है या अपना फलन लिया जाता है वो कैसा लिया जाता है, सदिश बिंदु फलन लिया जाता है, ठीक है। इतना ही दोनों के अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है। बाकी तो सारी चीज़ें जो अपन ग्रेडियंट के अंदर करते हैं वही अपन किस में करते हैं, डाइवर्जेंट में यहाँ पर डिफाइन होती है, क्लियर है। तो आप देखिए, डाइवर्जेंट की अगर अपन डेफिनेशन की फॉर्म में देखना चाहें तो डेफिनेशन में अपन लिखेंगे कि कोई सदिश जो अवकलनीय बिंदु, सदिश बिंदु फलन की जो प्रवणता होती है उसको अपन किसे कहेंगे, अपसरण कहेंगे, ठीक है। सदिश बिंदु फलन की प्रवणता अपसरण द्वारा परिभाषित होती है, क्लियर हो गया होगा। जब अपन ग्रेडियंट की बात करते हैं तो ग्रेडियंट में अपन अदिश बिंदु फलन लेके चलते हैं, और यहाँ पर जो अपन फलन लेके चलेंगे वो कैसा लेके चलेंगे, सदिश बिंदु फलन लेके चलेंगे। इसको अपन डिनोट करते हैं डाइवर्जेंट एफ, ठीक है। अगर अपन ने लिखा डाइवर्जेंट एफ, इसका मतलब क्या होता है, अपना डाइवर्जेंट वही ग्रेडियंट वाला फंक्शन होता है, आई के पे डेल बाई डेल एक्स, जे के पे डेल बाई डेल वाई, और के पे डेल बाई डेल जेड। और ये जो फंक्शन होता है ये कैसा होता है, अपना एक सदिश फंक्शन होता है, ठीक है। और जब अपन इसको अपन ऐसे भी दिखा सकते हैं, डेल वेक्टर डॉट एफ वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, और जब इन दोनों का क्या होगा, अदिश गुणन होगा। ये जो मैंने दिखाया आपको साइन किसका दिखाया है, अदिश गुणन को अपन पॉइंट से डिनोट करते हैं। जब इनका अदिश गुणन होता है तो अदिश गुणन से अपने को जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो कैसी होगी, एक अदिश फलन ही अपने पास प्राप्त होगा, सदिश फलन यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। जबकि ग्रेडियंट के अंदर जो अपने को फलन प्राप्त होता है वो कैसा होता है, सदिश फलन होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ ये सदिश होता है, ये वाली वैल्यू कैसी होती है, अदिश होती है, इसलिए उसकी डायरेक्शन के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन इसमें ये भी सदिश है और ये भी सदिश है, और जब इन दो सदिशों का अदिश गुणन होता है तो अपने को एक अदिश राशि ही प्राप्त होती है। ये अपने पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर जो अपने को जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो अपनी कैसी मिलेगी, अपने को जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, एक अदिश फलन की फॉर्म में यहाँ पर अपने से डिफाइन होगा, क्लियर है अच्छे से। अगर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, आई केप डेल बाई एफ वेक्टर डेल एक्स, जे केप डेल बाई एफ वेक्टर डेल वाई, और के केप डेल बाई डेल एफ अपन ये डेल जेड, इस तरह से ये जो है वो अपना डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कि ये अपना जो है किस तरह से यहाँ पर सॉल्यूशन हो सकता है। एग्जांपल अपन इसके जो है उसमें डाइवर्जेंट निकालना सीखेंगे। डाइवर्जेंट और ग्रेडियंट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि वो अदिश बिंदु फलन के लिए डिफाइन होता है और ये सदिश बिंदु फलन के लिए डिफाइन होता है। बाकी दोनों को दर्शाने का तरीका जो होता है बिल्कुल एक जैसा ही यहाँ पर होता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो प्रॉपर्टीज़ अपन ने डाइवर्जेंट ग्रेडियंट के लिए पढ़ी थी वही प्रॉपर्टीज़ अपनी यहाँ पर इसके लिए भी यहाँ पर
लागू होती है। ठीक है, अब देखिए, अब जो वैल्यू है अपन देखें, यहाँ पे एक लेते हैं वेक्टर, लेके चलते हैं एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल में अपने को f वेक्टर गिवन है, एक्स वाई स्क्वायर आई केप प्लस है 2x स्क्वायर वाई जेड जे केप प्लस है सॉरी माइनस 3y जेड स्क्वायर के केप। ये अपने को जो है वो फंक्शन है दिया हुआ है, और इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है, उस पर क्या निकालना है, डाइवर्जेंट है निकालना है, बिंदु 1 है माइनस 1 है और 1 पर है डाइवर्जेंट है एफ ज्ञात करो। ये अपना इक्वेशन है यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो अपन इसमें क्या निकालेंगे, डाइवर्जेंट एफ है निकालेंगे। ठीक है, तो डाइवर्जेंट है एफ वेक्टर क्या आएगा अपना, यहाँ लिख देती हूँ मैं, डेल वेक्टर डॉट है एफ वेक्टर। ठीक है, अब इसको वैल्यू लिख देते हैं, आई के पे डेल बाई डेल एक्स, जे के पे डेल बाई डेल वाई, प्लस के पे डेल बाई डेल जेड। ये लिख दिया, आगे अपन यहाँ पर एफ वेक्टर को लिख देते हैं। ये अपना एफ वेक्टर है डॉट एक्स वाई स्क्वायर आई के प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड जे के पे माइनस 3y जेड स्क्वायर के के। ये फंक्शन जो है वो अपने पास यहाँ पर गिवन है। अब क्या करना है अपने को, इनका डिफरेंशिएशन कर देना पहले x की रेस्पेक्ट में इसका। अब देखिए, आई केप डॉट आई केप जो है वही सिर्फ डिफाइन होगा, अपन जानते हैं यहाँ पे आई केप का सिर्फ आई केप के साथ ही डिफरेंशिएशन इन सभी के साथ हो सकता है, लेकिन जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो किसके साथ आएगा, सिर्फ आई केप के साथ ही यहाँ पर फाइंड आउट होगा। तो आई केप का आई केप के साथ यहाँ पर जब अपना फाइंड आउट होगा, जब अपन इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए डेल बाई डेल एक्स। अब x के साथ कौन सा आएगा, सिर्फ आई केप वाला आएगा। आ तो ये दोनों वैल्यू भी सकती है, लेकिन अपन जानते हैं कि आई केप डॉट जे केप भी जीरो होता है और आई केप डॉट के केप भी क्या होता है अपना जीरो होता है। तो ये दोनों वैल्यूज नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा x y स्क्वायर, ये बनेगा यहाँ पे पहला पद। दूसरा आएगा डेल बाई डेल वाई। अब इसके साथ जो फंक्शन आएगा वो कौन सा आएगा, y वाला यानी जे केप वाला फंक्शन जो है वो यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर वाई जेड, ये आ जाएगा। और के केप के साथ के केप वाला फंक्शन आएगा डेल बाई डेल जेड माइनस 3y जेड स्क्वायर, ये जो है वो अपने पास यहाँ पर आ गया। अब इसको अपन क्या करवा लेंगे, डिफ्रेंशिएट करवा लेंगे। तो देखिए, डिफ्रेंशिएशन करने पर अपने पास क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट f का जो मान है वो अपना फाइंड आउट हो जाएगा। तो डाइवर्जेंट f वेक्टर जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए, जब ये किया तो अपने पास आया y स्क्वायर, और जब इसका किया तो आया 2x स्क्वायर z, और जब इसका किया तो आया माइनस 6y z। ये वैल्यू जो है वो अपने यहाँ पर फाइंड आउट होगी, किसकी, डाइवर्जेंट है f की। अब अपने को डाइवर्जेंट f जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन करना था, वो पर्टिकुलर पॉइंट अपने पास गिवन था, कौन सा था, बिंदु 1 माइनस 1 और 1। ठीक है, तो उस पर इसका मान निकाल लेते हैं, बिंदु 1 है माइनस 1 है और 1 पर है डाइवर्जेंट है एफ वेक्टर। तो अपने को 1 माइनस 1 पर्टिकुलर पॉइंट इन पर निकालना है, तो जो भी आपकी वैल्यूज है उनको यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2, x की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू जेड है तो 1 हो जाएगा। माइनस 6 है, वाई की वैल्यू है माइनस 1 और जेड की वैल्यू है 1। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर सरल किया तो आया 1, यहाँ पे सरल किया तो आया 2 और यहाँ पे सरल किया तो आया 6। तो इसकी जो टोटल वैल्यू है वो अपने पास कितनी आ गई, 9 जो है वो यहाँ पर वैल्यू डिफाइन हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास डाइवर्जेंट ऑफ, आप इस फलन को ध्यान से देखिए, ये जो फलन आया है अपने पास, ये क्या आया है, एक अदिश राशि के रूप में फाइंड आउट हुआ है, ये कोई सदिश राशि अपने पास में नहीं आई है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन जब अपन ग्रेडियंट निकालते हैं
तो जब ग्रेडियंट के अंदर अपन ये वाला आंसर देते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ एफ वेक्टर अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे क्या होती है, एक सदिश राशि फाइंड आउट होती और यहाँ पर अपने को क्या हो रहा है, अदिश राशि प्राप्त हो रही है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कौन से में मतलब डाइवर्जेंट के अंदर जो है वो किस तरह का फलन प्राप्त होता है और जो अपना ग्रेडियंट होता है उसमें किस तरह का फलन जो है वो फाइंड आउट होता है। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। जो फलन है, ऑपरेशन है, संकारक है, वो यहाँ पे दोनों में ही अवकल संकारक का ही प्रयोग किया जाता है, दोनों के लिए ही, डाइवर्जेंट के लिए भी और ग्रेडियंट के लिए भी। लेकिन उसमें अपन जो फलन लेते हैं वो कैसा लेते हैं, अदिश फलन लेते हैं, और इसमें जो अपन ने फलन डिफाइन किया है वो कैसा है, एक सदिश फलन डिफाइन किया है। और दो सदिश फलन का जो अपना अदिश गुणन होता है वो कैसा होता है, एक अदिश राशि प्राप्त होती है, जबकि वहाँ पर एक सदिश और एक अदिश राशि थी। जो ऐसा होता है एक सदिश और एक अदिश राशि होती है तो उनका जो मल्टीपल होता है वो हमेशा कैसा होता है, सदिश राशि प्राप्त होता है। इसलिए उसमें एक सदिश राशि आती है और इसमें क्या होती है, एक अदिश राशि अपने को प्राप्त होती है। इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये अपने किसी भी फलन के लिए अपन डाइवर्जेंट किस तरह से निकालते हैं उसको अपन ने आज के वीडियो में देखा है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।